आज हम बहुत ही कम मेहनत में एक बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाएंगे। हम बनाएंगे दही वाले आलू। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल, डिलीशियस खाना झटपट बनाना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दही आलू बनाने के लिए आप आलू को उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन इस सब्जी का सबसे बढ़िया स्वाद तो तब आता है जब आलू को हम फ्राई करके बनाएं, डीप फ्राई करके। लेकिन अगर हम डीप फ्राई करें तो हमें थोड़ी सी दिल में कचोटेगी ना कि बहुत ज़्यादा तेल कंजम्पशन हो गया, तो इसलिए हम आलू के क्यूब्स काट लेंगे और उसके बाद उसे हम बिल्कुल कम तेल में फ्राई करेंगे, तो स्वाद हमें मिलेगा फ्राई वाला और तेल हम बिल्कुल कम यूज़ करेंगे। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 आलू और 3 आलू को मैं इस तरीके से क्यूब्स में काट लूँगी। आलू हमारे बहुत अच्छे से धुले हुए हैं और काटने के बाद इसमें हम लगा देते हैं थोड़ी सी नमक और हल्दी, और इसके बाद एक नॉन स्टिक पैन में हम बिल्कुल थोड़ा 1.5 चम्मच तेल डालकर इन आलू को डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे करीब करीब हम 10 से 15 मिनट तक इसे भूनेंगे। तो बिल्कुल कम तेल में हम आलू को भूनते भूनते नरम कर लेंगे, तो स्वाद हमें मिलेगा फ्राई आलू का और तेल हमारा कंजम्पशन होगा बिल्कुल कम। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें आलू को तैयार करना है। और हाँ, बीच बीच पे जैसी ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा ढक भी देंगे, तो ढकने से आलू जल्दी कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे आलू अब भुन चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल कर रख लेते हैं और इसके बाद हम दही को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें बनाने हैं दही वाले आलू। तो हमने लिया है 1.5 कप दही और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी डालना चाहें, और इसे हम दही के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद दही को हम एक छन्नी में छान लेंगे, जिससे दही हमारी बहुत अच्छी फेटी हुई सी हो जाएगी, इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे और दही एक सार हो जाएगी और साथ ही दही से कुछ पानी भी नहीं छूटेगा। तो इसे हम अच्छे से छान लेते हैं और देखिए, ये अच्छे से हमारी मसाले वाली दही तैयार हो गई है। और दही आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हम टेम्परिंग में कुछ खास चीज़ें डालेंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया, साबुत धनिया है, 1 चम्मच सौंफ है और थोड़ी सी काली मिर्च है। इन्हें हम दरदरा सा कूट लेंगे और कूट के हम रख लेंगे। अब इसके बाद हम बनाते हैं सब्जी। इसके लिए हमने एक पैन में लिया है घी। ये सब्जी घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, लेकिन अगर आप घी ना खाना चाहें तो आप इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। तो हमने 2 टीस्पून घी डाला था और इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, और जो काली मिर्च, धनिया और सौंफ हमने दरदरा सा कूट के रखा था उसे भी हम यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद हम डाल देते हैं 1 हरी मिर्च, जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप ज़्यादा हरी मिर्च खाना पसंद करें तो आप 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और हम यहीं पे ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं आज यहाँ सिर्फ अदरक ही डाल रही हूँ। और इन सबको करीब करीब 30-40 सेकंड तक भूनने के बाद तब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ आज 1 प्याज को बारीक काट के डाला है। अरे, मैंने एक गलती की थी, मैं तड़के में हींग डालना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हींग अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं। छोटी सी गलती की है, इसे सुधार लेते हैं। लेकिन हींग डालने से इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, तो हम अभी डाल देते हैं। प्याज को हमें लाइट ब्राउन कलर के होते तक भूनना है। और अब हम डालेंगे मसाले वाली दही को, लेकिन मसाले वाली दही डालने से कभी कभी दही फट भी सकती है, तो हम फ्लेम को एकदम बंद कर देते हैं। ये देखिए, मैं कढ़ाई उठाकर आपको दिखा रही हूँ, फ्लेम हमने पूरा बंद कर दिया, प्याज थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब हम डाल देते हैं दही को, और दही को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा से गैस को चालू कर देते हैं। अब दही डाला है तो हमें इसे विगरसली चलाना पड़ेगा, ताकि दही हमारी ना फटे। इसे हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहेंगे जब तक मसाला अच्छे से भुन ना जाए। अब हम मसालों को काफ़ी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक मसालों से तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए, ये किनारे किनारे आपको दिख रहा होगा, इससे काफ़ी तेल सेपरेट हो रहा है,
तो हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, मसाले से काफ़ी तेल ऊज़ आउट हो गया है और मसाला बीच में इकट्ठा सा हो गया है। तो मसाला हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इस पे डाल देते हैं 1 कप पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। फ्रेंड्स, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आपने फॉलो नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ भी मैं बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करती रहती हूँ। और पानी डालने के बाद इसमें अब हम डाल देते हैं फ्राई किए हुए आलू को, और एक बार हम अच्छे से मिला लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक हमने नमक नहीं डाला है। दही में हमने बाकी सारी चीज़ें डाली थी लेकिन नमक नहीं डाला था। नमक हम अभी ऐड करेंगे, और हम इसमें अभी ऐड करेंगे काला नमक। एक्चुअली आलू फ्राई करते समय हमने नॉर्मल नमक डाला था, लेकिन अभी हम डालेंगे काला नमक, और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और अगर आप चाहें तो एक बार ढक कर इसे थोड़ा सा 2 मिनट तक कुक होने दें, ताकि आलू में सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए और ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए। और देखिए, ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी पूरी रेडी है। लेकिन इस सब्ज़ी की एक खासियत है, तो इसे हम ढक कर अभी 2-3 मिनट के लिए और स्टैंडिंग टाइम दे देते हैं। तो इससे इस सब्ज़ी का जो लुक है ना, ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और अब हम खोल कर देखते हैं तो देखिए, ये सब्ज़ी कितनी बढ़िया लग रही है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबे वाली सब्ज़ी जैसी लग रही है। ये मेरे फेसबुक पेज का आईडी है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है। इसे आप रोटी, पूरी, नान, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाना बहुत आसान है। कभी भी आपके यहाँ अचानक गेस्ट आए तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसे अब हम एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और साथ ही इसे हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती के साथ। और बस, हमारी सब्ज़ी तैयार है खाने के लिए।